बोंबेवाडी तालुका आटपाडी येथील मानगंगा नदीपात्रात आज सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास अवैध वाळू उपसा करणारा ट्रॅक्टर तहसीलदार सचिन लंगुटे व त्यांच्या पथकाने पकडला. यावेळी आरोपी किसन सदाशिव मोटे, सचिन किसन मोटे व अलंकार शिवाजी खरात यांनी तहसीलदार सचिन लंगुटे यांना शिवीगाळ करून खाली पाडून लाथाबुक्क्याने मारहाण केली. याबाबतचा गुन्हा आटपाडी पोलीस स्टेशन मध्ये नोंद झाला आहे. या मारहाणीमध्ये तहसीलदार सचिन लंगुटे यांच्या उजव्या पायाच्या गुडघ्यास व हाताच्या करंगळीत दुखापत झाली आहे. या मारहाणीचा निषेध म्हणून तहसील कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी आज काम बंद आंदोलन केले, त्यामुळे विविध कामांसाठी तालुक्यातून आलेल्या लोकांना नाहकचा त्रास सहन करावा लागला. आज के दिन सबेरे अटपाडी तहसील के तहसीलदार साहब लंगुटे साहब अवैध वाड़ू तस्करी रोकने के लिए उनके पथक के साथ बोंबेवाड़ी गांव गए थे. वहां पर वाड़ों की तस्करी करने वाले कुछ लोगों ने उन पर हमला किया है. उसमें तहसीलदार साहब गंभीर जख्मी हो गए हैं और खुद तहसीलदार साहब ने आके कंप्लीट दे दी है. उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है और उस गुंडे का एक आरोपी को अरेस्ट किया है और बाकी के जो दो आरोपी हैं उनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा. इसके लिए शोध पत्र तैयार किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू है. प्रशांत देशमुख, 7 स्टार न्यूज, आटपाडी.